तो दोस्तों कुछ ही घंटों की बात है, ये जो आपको CS रैंक सीजन 22 दिख रहा है ये जाने वाला है और आने वाला है न्यू CS रैंक सीजन 23। न्यू CS रैंक सीजन के अंदर कुछ चीजों में आपको चेंज देखने के लिए मिलेगा, जैसे मैप में चेंज होगा, गन का प्राइस में चेंज होगा, कुछ चीज में चेंज देखने के लिए मिलेगा। लेकिन रिसेंटली जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है वो हुआ है कैरेक्टर एबिलिटी के अंदर, क्योंकि गरेना फ्री फायर ने मेन कैरेक्टर सोनिया एंटोनियो हो गया, या बोलिए तो वुकोंग तत्सुया या ओरियन हो गया, इन सब मेन कैरेक्टर की एबिलिटी चेंजेस कर दिए। तो इन सारे चेंजेस को देखते हुए जो न्यू VR रैंक सीजन 23 आ रहा है, इसमें गेम प्ले करने के लिए, बेस्ट परफॉर्मेंस करने के लिए हम लोगों को नए कैरेक्टर का यूज करने का जरूरत है, इंसर्ट बोला जाए तो हम लोग नए कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का जरूरत है, क्योंकि रिसेंटली जो हम लोग जो कैरेक्टर यूज करते हैं उनकी एबिलिटी चेंज हो गई है, इसलिए हम लोग को नया कैरेक्टर कॉम्बिनेशन चाहिए और एक बैलेंस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन चाहिए जिसका यूज करके आप इनिमी को इजीली मार पाए। तो कुछ इसी तरह का मैं आपको यहां पर दो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं। पहला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन उन लोगों के लिए यूजफुल होने वाला है जो बहुत ज्यादा रस करते हैं, मतलब रसर प्लेयर के लिए होने वाला है, और दूसरा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन जो होने वाला है वो होने वाला है जो गेम को रीड करके गेम के अकॉर्डिंग गेम प्ले करते हैं, मतलब जब सिचुएशन है रस का तो रस करते हैं, जब मिड रेंज से खेलना है तो मिड रेंज से खेलना है, तो मतलब इस तरह से गेम को रीड करके गेम प्ले करते हैं। दूसरा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन उन लोगों के लिए होने वाला है। तो चलिए बिना किसी और बकवास के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना पहला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन जो कि रसर प्लेयर के लिए होने वाला है उसको जान लेते हैं। लेकिन थोड़ा रुकिए, हम लोगों को सबसे पहले जानना होगा कि OB43 अपडेट के बाद हम लोगों को कौन सा एक्टिव स्किल कैरेक्टर यूज करना है, क्योंकि OB43 अपडेट में बहुत सारे एक्टिव स्किल कैरेक्टर की एबिलिटी में चेंज हुआ है, तो अभी जानना जरूरी हो जाता है क्या कौन सा एक्टिव स्किल कैरेक्टर यूज करना चाहिए। तो देखिए रिसेंटली जो OB43 का अपडेट हुआ था उसमें ओरियन और तत्सुया दोनों कैरेक्टर की एबिलिटी को घटाया गया है, लेकिन अभी भी जो है ओरियन और तत्सुया दोनों ही CS के लिए बेस्ट कैरेक्टर है। इसके साथ साथ वुकोंग तो तगड़ा कैरेक्टर है ही, मतलब वुकोंग हो गया, ओरियन हो गया, तत्सुया हो गया, ये तीनों जो है ना CS के लिए बेस्ट कैरेक्टर है। इससे अगर आप गेम प्ले कीजिएगा तो सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। इसके अलावा आप जो है ना क्रोनो का यूज कर सकते हैं, क्रोनो भी अच्छा कैरेक्टर है, A124 हो गया, साथ ही साथ दिमित्री को तो आप जानते हैं, ये सब जो है ना CS रैंक गेम के लिए बेस्ट एक्टिव स्किल कैरेक्टर है। इन सब में से आपको जो सबसे अच्छा लगता है आप किसी का यूज कर सकते हैं, यहां मैं आपको ज्यादा मतलब बताने वाला नहीं है। तो चलिए बैक टू द हम लोग टॉपिक पे जाते हैं और जानते हैं रस करने के लिए सबसे अच्छा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन कौन सा होने वाला है। यहां पर मेरा फेवरेट तत्सुया कैरेक्टर है, तो मैं तत्सुया यूज कर रहा हूं, आप ओरियन या मतलब वुकोंग कोई सा भी यूज कर सकते। लेकिन इसके साथ जो फर्स्ट पैसिव कैरेक्टर यूज करना है वो करना है ओथो कैरेक्टर, क्योंकि ओथो कैरेक्टर जो है ना रस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जब आप रस कीजिएगा तो मतलब ओथो कैरेक्टर आपका बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, तो मैं आपको शॉर्टकट में दिखा भी देता हूं। तो आप लोग यहां पर देखिए, यहां पर मैं जब पहला बंदा को मारता हूं, ये देखिए थोड़ा हेडशॉट मार के इसको डाउन जैसे करता हूं, दूसरा बंदा पे देखिए मार्क लग गया, ठीक ना, दूसरा बंदा का लोकेशन हमको पता चल गया ड्रॉप के पीछे, मैं जाता हूं उसको डाउन कर देता हूं। डाउन करने के बाद देखिए बंदा खिड़की से मार रहा है, इसको जब मैं डाउन करता हूं तो एक लास्ट बंदा जो बचा है उसका लोकेशन हमको पता चल गया। तो ये हो रहा है ओथो कैरेक्टर के कारण। ओथो कैरेक्टर का एबिलिटी क्या है कि जैसे आप एक बंदा को डाउन कीजिएगा तो वैसे ही दूसरा बंदा के ऊपर मार्क लग जाएगा उसके 20 मीटर के आसपास जो है, तो मतलब इस तरह से सारा बंदा का लोकेशन पता चल जाता है, क्योंकि CS में सब क्लोज रहता है, किसी एक बंदा को डाउन कीजिएगा तो आपको अदर दूसरा बंदा का लोकेशन पता चल जाएगा। देखिए एक और बेनिफिट होता है, क्या बेनिफिट होता है कि अगर आप इनिमी पे रश कर रहे हैं तो हो सकता है आप भी डाउन हो जाएंगे, तो आप भी अगर डाउन हो जाते हैं, देखिए जैसे यहां पर मैं डाउन हो जाता हूं, जैसे डाउन होता हूं तो इनिमी के ऊपर मार्क लग जाता है, ठीक ना, इससे इनिमी का लोकेशन जो है ना, हम तो डाउन हो गए तो मेरा फ्रेंड सबको पता चल जाता है, मतलब कि अगर रश किया हम इनिमी को डाउन किया फिर इससे भी मतलब इनिमी का लोकेशन हमको और मेरा फ्रेंड को पता चलेगा, अगर हम खुद डाउन हो जाएंगे वहां पर भी इनिमी का लोकेशन मेरा फ्रेंड को पता चल जाएगा, मतलब दोनों तरफ से फायदा होगा रसर के लिए, रसर प्लेयर के लिए। उसके बाद देखिए एक और बेनिफिट है कि जब आप ये मार्क जो लगता है, जिस इनिमी पे मार्क लगता है मतलब उसका मूवमेंट स्पीड 25% कम हो जाता है, वो दौड़ नहीं पाता है, उसका मूवमेंट खत्म हो जाता है, इससे एक और प्लस पॉइंट मिल जाता है। तो इसलिए रस करने में ओथो कैरेक्टर बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, तो अगर आप रसर प्लेयर हैं तो आप ओथो कैरेक्टर का यूज कीजिए फर्स्ट स्किल स्लॉट। यहां पर भी देखिए एक बंदा को डाउन किया, तीन बंदा का लोकेशन पता चल गया, तो यहां मतलब ओथो इस तरह से आपका बहुत ज्यादा हेल्प करता है रस करते समय। देखिए यहां पर मैं थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा हूं, ज्यादा बता रहा हूं ओथो के बारे में, इसलिए बता रहा हूं ओथो बेस्ट कैरेक्टर है, बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, लेकिन ज्यादातर बंदे ओथो का यूज नहीं करते, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ओथो का यूज आज से करना चालू कर दीजिए। अगर आप रसर प्लेयर है तब तो 100% ओथो का यूज कीजिए फर्स्ट स्किल स्लॉट में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि रसर प्लेयर को सेकेंड स्किल स्लॉट में कौन सा कैरेक्टर यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर सेकेंड स्किल स्लॉट में आपको यूज करना है लूना कैरेक्टर। तो लूना कैरेक्टर जो है फ्री फायर गेम का बेस्ट कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर है। लूना कैरेक्टर बहुत ज्यादा ओपी है CS रैंक गेम के अंदर, क्योंकि लूना कैरेक्टर की एबिलिटी है गन का रेट ऑफ फायर को
5% बढ़ा देता है। गन का रेट ऑफ फायर बढ़ने के बाद जानते हैं आपको कितना ज्यादा बेनिफिट होता है। तो ये वाला क्लिप तो मैंने आपको पहले भी दिखाया, यहाँ पर मैंने पहले बंदे को आराम से हेडशॉट मार करके डाउन कर दिया, लेकिन दूसरा बंदा को देखिए बॉडी में देखिए कितना जल्दी डाउन कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि मेरे पास पहले से डबल रेट ऑफ फायर वाला यूएसपी है, ऊपर से जो है लूना करेक्टर 8% रेट ऑफ फायर बढ़ा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैं सेकंड स्किल में लूना करेक्टर यूज कर रहा हूँ, तो लूना करेक्टर रेट ऑफ फायर बढ़ा रहा है। तो इस तरह का रेट ऑफ फायर इतना ज्यादा हो जाता है ना, आप इनिमी को इजिली बॉडी शॉट में भी मार सकते हैं। हेडशॉट मार दे तो अच्छा बात है, बॉडी शॉट में भी आप लूना करेक्टर यूज करके इनिमी को मार सकते हैं। लूना करेक्टर यूज करने से एक और बेनिफिट होता है कि ड्रैग हेडशॉट अच्छा लगता है, क्योंकि लूना करेक्टर क्या करता है ना गन का रेट ऑफ फायर को 8% बढ़ा देता है, तो रेट ऑफ फायर ज्यादा रहेगा, ड्रैग हेडशॉट अच्छा लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई गन स्किन नहीं है तो वहां भी लूना करेक्टर यूज करने से गन का रेट ऑफ फायर बढ़ेगा, तो आपके पास गन स्किन वाला एट्रीब्यूट आ जाएगा। तो मतलब लूना करेक्टर जो है ना रश करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, नॉर्मली सीएस रैंक गेम में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, रश करने में और भी ज्यादा हेल्प करता है। इसलिए आज से जो है ना आपको सेकंड स्किल स्लॉट में लूना करेक्टर यूज करके खेलना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो इसके बाद आगे जो लास्ट पैसिव करेक्टर यूज करना है, यहाँ पर हम लोगों को हयातो करेक्टर यूज करना है। हयातो करेक्टर जो है बहुत ही ज्यादा पावरफुल करेक्टर है। पावरफुल करेक्टर इसलिए है कि हयातो के पास दोनों एबिलिटी है, जब भी इसका हयातो करेक्टर का एचपी घटेगा तो इनिमी मारेगा तो इसको थोड़ा कम डैमेज पड़ेगा, ठीक ना। साथ ही साथ एचपी घटने के बाद जब हयातो करेक्टर इनिमी को मारेगा तो उसको ज्यादा डैमेज पड़ेगा, ठीक ना। मतलब अटैकिंग और डिफेंसिव, अटैक डिफेंस दोनों वाला पावर हयातो करेक्टर के अंदर, इसलिए हयातो करेक्टर बहुत ज्यादा पावरफुल करेक्टर है। और हयातो करेक्टर का टेस्ट तब होता है इसका, जब मतलब रिजल्ट मिलता है जब आप फाइट में क्रूशियल फाइट के अंदर हो, जब आपका एचपी घट रहा है, इनिमी आपको मार रहा है, आप इनिमी को मार रहे हैं, तो उस टाइम पे हयातो करेक्टर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। अब यहां देखिए मैं उठा आराम से जाके चार्ज बस्टर से मारा, देखिए कितना ज्यादा डैमेज दिया। मतलब हयातो करेक्टर यही इस टाइम पे जब मतलब इनिमी से आमने सामने का फाइट हो रहा है उस टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। तो इसलिए मैंने बोला कि जब आप रस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो वहां पर हयातो करेक्टर बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि वहां आमने सामने का फाइट होता है, इनिमी आपको मारेगा, आप इनिमी को मारिएगा, तो वहां पर हयातो करेक्टर बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि हयातो डिफेंस प्लस अटैक दोनों पावर देता है और क्रूशियल फाइट में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। इसलिए रस और प्लेयर के लिए हयातो करेक्टर बहुत ज्यादा ओपी है। तो लास्ट स्किल स्लॉट में आपको हयातो यूज करना है। तो यहाँ पर फाइनल जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन हुआ, मतलब आपका जो एक्टिव स्किल कैरेक्टर है उसके साथ आपको ओथो लूना और हयातो यूज करना है। ओथो लूना और हयातो का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा डेडली कॉम्बिनेशन है रस करने के लिए। जब आप रस कीजिएगा तो जाकर के ओथो का एबिलिटी के कारण इनिमी का फाइंड आउट कर पाइएगा, इनिमी को स्लो डाउन कीजिएगा, लूना के कारण ज्यादा रेट ऑफ फायर होगा तो इनिमी को इजिली मार पाएंगे, और हयातो करेक्टर अगर इनिमी आपको मारेगा तो वहां पर आपको डिफेंस भी देगा और इनिमी को आप मारिएगा तो इनिमी को मारने में हेल्प भी करेगा। तो ये वाला जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है ओथो लूना हयातो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है रस करने के लिए, रसर प्लेयर के। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सेकंड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को, ठीक ना। सेकंड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसके ऊपर कोई टैग नहीं होने वाला है। ये जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन होने वाला है इससे आप रस भी अच्छा कर सकते हैं, मिड रेंज का फाइट तो और भी अच्छा कर सकते हैं, मतलब कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप गेम प्ले कर सकते हैं इस वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन से। और पर्सनल ये वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन मेरा पर्सनल फेवरेट है, ठीक ना। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सेकंड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन मेन कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को जानते हैं। तो यहाँ पर जो मैं फर्स्ट पैसिव कैरेक्टर यूज कर रहा हूँ वो होने वाला है वुल्फरा कैरेक्टर। वुल्फरा कैरेक्टर की एबिलिटी पता है आपको, इनिमी आपको मारेगा 30% कम हेडशॉट पे डैमेज पड़ेगा, अगर आप इनिमी को मारिएगा हेडशॉट पे 30% ज्यादा डैमेज पड़ेगा। इसका जो ना सीएस रैंक गेम के अंदर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, थोड़ा दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए ये क्लिप मैंने आपको पहले भी दिखाया, यहाँ जब मैं पहला ये इनिमी को मारता हूँ देखिए 119 का डैमेज दिया, तो नॉर्मली G18 का इतना डैमेज रहता नहीं है, लेकिन 119 का डैमेज दिया वुल्फरा के कारण। फिर इस बंदा को देखिए हेडशॉट पे कितना डैमेज दिया, 145 का डैमेज दिया, कितना ज्यादा दिया। तो ये भी वुल्फरा के कारण हो रहा है, वुल्फरा के कारण ज्यादा हेडशॉट पे डैमेज दे रहा है। और सामने वाला इनिमी को 92 का दिया, क्योंकि सामने वाला भी इनिमी हो सकता है वुल्फरा यूज कर रहा है इसलिए उसको कम डैमेज दिया। मतलब कि वुल्फरा दो धारी तलवार है, मतलब इनिमी को मारिएगा तो ज्यादा डैमेज पड़ेगा, इनिमी आपको मारेगा तो कम डैमेज पड़ेगा हेडशॉट पे, मतलब दोनों तरह से आपका बेनिफिट। इसका देखिए यहां पर देखिए क्या होता है, यहां पर जब मैं मारता हूं इनिमी को देखिए यहां कूदा, और यहां जब मैं इनिमी को मारता हूं यहां देखिए मैं रोक देता हूं, देखिए 178 का MP40 का डैमेज पड़ा, बहुत ज्यादा डैमेज पड़ा, और इनिमी भी हमको हेडशॉट मारा है, देखिए मेरा हेलमेट डैमेज है, हेडशॉट मारा है, लेकिन हमको बहुत कम डैमेज पड़ा, ठीक ना। इस तरह से मैं इनिमी को इजीली मार पाया। तो यहां अगर मैं वुल्फरा यूज नहीं करता तो इनिमी को थोड़ा कम हेडशॉट लगता डैमेज और हमको ज्यादा लगता तो मैं डाउन हो जाता। तो आपने देखा सीएस में वुल्फरा किस तरह हेल्प किया, और सीएस का बात है कि सीएस में बहुत ज्यादा हेडशॉट होता है, इनिमी भी ज्यादा हेडशॉट मारता है, हम लोग भी ज्यादा हेडशॉट मारते हैं, तो यहां पर वुल्फरा बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों को फर्स्ट स्किल स्लॉट में वुल्फरा यूज करना है। तो देखिए इससे पहले मैंने रस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में वुल्फरा का यूज नहीं बताया, क्योंकि रस करते समय आप इनिमी का ज्यादा क्लोज चल जाते हैं तो वहाँ हेडशॉट कम लगता है, इनिमी का भी हेडशॉट आपको कम लगेगा, आप भी हेडशॉट कम मारिएगा, तो वहाँ वुल्फरा का ज्यादा यूज नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप मिड रेंज में थोड़ा इनिमी से डिस्टेंस मेंटेन कीजिएगा तो हेडशॉट ज्यादा लगता है।
है, ठीक है, इसलिए वुल्फ्राई यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए ये जो सेकंड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है, इसमें मैंने सबसे पहले बोला आपको वुल्फ्राई कैरेक्टर यूज करना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगले यानी कि सेकंड पैसिव कैरेक्टर जाने से पहले एक बात याद कर लीजिए, मैंने पहले ही बोला है ये जो सेकंड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन होने वाला है, ये मतलब गेम के अनुसार आप खेलना है, ठीक ना। गेम जैसा डिमांड कर रहा है वैसा गेम प्ले करना है, मतलब जब रश करने का जरूरत है रश करना है, लॉन्ग से खेलने का टाइम आता है, मिड रेंज से खेलने का टाइम आता है, वैसा खेलना है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेलने के लिए आपके पास एक डिफेंसिव कैरेक्टर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि अटैक में भी हेल्प करेगा, मतलब और अगर आप पीछे मिड रेंज से खेल रहे हैं तो वहां भी हेल्प कर देगा, क्योंकि इनिमी आपको जल्दी मार नहीं पाएगा। इनिमी पे रश की जगह तब भी इनिमी अगर रश करेगा तब भी आपको नहीं मार पाएगा। तो एक डिफेंसिव कैरेक्टर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर बेस्ट डिफेंसिव कैरेक्टर की बात करें तो मैंने पहले बहुत सारा वीडियो बनाया, उसमें आपने देखा है कि इलाइट एंड्रू ही सबसे बेस्ट डिफेंसिव कैरेक्टर है। तो मतलब सेकंड पैसिव कैरेक्टर में आप इलाइट एंड्रू कैरेक्टर यूज कर पा रहे हैं। और अगर आप सीएस रैंक में ज्यादा कॉस्ट का गन खरीद रहे हैं, अगर आपके पास वेस्ट नहीं आ पा रहा है, तब जाकर के आप जस्टिन बीबर का यूज कर लीजिए। जस्टिन बीबर जो है सेकंड बेस्ट डिफेंसिव कैरेक्टर है, ठीक ना। अगर आपके पास अच्छा गन मतलब अच्छा वेस्ट नहीं आ पा रहा है, मतलब वेस्ट आ ही नहीं रहा है, तब जाकर के आप जस्टिन बीबर पे शिफ्ट हो जाए। अगर आपके पास वेस्ट आ रहा है तो आप इलाइट एंड्रू कैरेक्टर का यूज कीजिए, वो बेस्ट डिफेंसिव कैरेक्टर है। तो आपको पैसिव सेकंड पैसिव कैरेक्टर के रूप में कौन सा यूज करना है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए लास्ट पैसिव कैरेक्टर बचता है, मतलब थर्ड एंड लास्ट पैसिव कैरेक्टर बचता है। तो यहां पर आपको जो है ना लूना कैरेक्टर यूज कर लेना। लूना कैरेक्टर तो आपको पता है, मैंने पहले भी बताया कि वो फर्स्ट वाला जो रस वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है वहां भी मैंने बताया लूना कैरेक्टर यूज करना है। और ये जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग मतलब आप डिसीजन लेने वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है, यहां भी लूना कैरेक्टर यूज कर लीजिए, क्योंकि लूना कैरेक्टर गन का रेट ऑफ फायर बढ़ाएगा तो हमेशा आपको बेनिफिट देगा, ठीक ना। तो यहां पर मैं थर्ड पैसिव कैरेक्टर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बस आपको लूना कैरेक्टर यूज कर लेना है क्योंकि मैंने पहले भी बता दिया है। तो देखिए इस तरह से जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन हो जाता है, सेकंड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन हो जाता है एक एक्टिव स्किल कैरेक्टर के साथ वुल्फ्रा इलाइट एंड्रू या जस्टिन बीबर, उसके बाद लास्ट में लूना कैरेक्टर, ये वाला जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन होगा इससे क्या होगा कि इनिमी को आप आराम से होल्ड करके हेडशॉट अगर मार दिए तब तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगर इनिमी आपको मारेगा तो वुल्फ्रा कैरेक्टर आपको हेडशॉट पे बचा लेगा, अगर आपको बॉडी शॉट मारेगा तो वहां एंड्रू कैरेक्टर बहुत ज्यादा बचा लेगा। तो मतलब इस तरह से आप बच जाइएगा। उसके बाद तो लूना कैरेक्टर है ही अटैक करने के लिए, क्योंकि आपका गन का रेट ऑफ फायर ज्यादा रहेगा। तो इस तरह से जो ये सेकंड वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है एक बहुत ज्यादा बैलेंस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है, इससे आप रस भी अच्छा कर सकते हैं और अगर इनिमी रस कर रहा है तो उससे बच भी सकते हैं, ठीक ना। मतलब बहुत ज्यादा बैलेंस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है और ये मेरा पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है। तो अगर आप रसर प्लेयर नहीं है तो ये सेकंड वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज कीजिए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगा है। और अगर आपको इस तरह का और भी कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आपको इस तरह का और भी कंटेंट देखने के लिए मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।